बताइए, थोड़ा जवाब दीजिए हमें भी, क्या ये सही हो रहा है? सरकार जो ये चला रही है सही कर रही है? नो मैम। अगर आपको पता चले कि जो दारू आपको दी जा रही है वो एक्सपायरी है, या उसके खराब होने की नजदीक डेट है, या उसमें कुछ मिलावट है, इस वजह से एक पैक फ्री दिया जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो ये बात ठेके वालों को पहले बतानी चाहिए ना। ये बात ठेके वाले क्यों बताएंगे? ठेके वाले क्यों बताएंगे? कोई भी अपना सामान खराब क्या थोड़ी ना बेचेगा। तो अब दुनिया लग रखी है लाइन में, तो दुनिया मरेगी तो आप भी मरने को तैयार है? और क्या, जब सब मर रहे, मरो, दुनिया मरेगी तो ये भी मरने को तैयार है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्हें पता चलता है कि चीजों में मिलावट है इसलिए ऐसे करके बेचा जा रहा है, तो भी इन्हें कोई परेशानी नहीं है। सारे लोग पी रहे हैं इसलिए ये भी पी रहे हैं, और सुबह से ये लाइन भी इसीलिए लगी हुई है ताकि ये एक पे एक जो फ्री का है वो इन्हें सबको मिल सके। अब इसमें ना तो उम्र है और ना ही कोई कैटेगरी है, कुछ नहीं है। बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, सभी बहुत खुश है और सभी चाहते हैं इस ऑफर का लाभ उठा सके, ज्यादा से ज्यादा दारू की बोतलें खरीद कर रख सके। पार्टी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और यहाँ पर कुछ नेता भी होंगे जो इस चीजों का लाभ उठा रहे होंगे और इसी बहाने वोट में, इलेक्शन में इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ मुफ्त की शराब बांटी जा रही है, दूसरी तरफ मास्क का भी ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पर कोविड ना बढ़े। लेकिन देखा जाए तो इतनी ज्यादा जो यहाँ पर भीड़ आ रही है, तादाद में बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग खड़े हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, सुबह से कई हजार लोग यहाँ से ले जा चुके हैं, तो ऐसे में कोविड का बढ़ना तो निश्चित है। लेकिन एक कह सकते हैं कि दिखावा है कि मास्क बांट रहे हैं, और मास्क लोग पहनेंगे तो कोविड नहीं बढ़ेगा। एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि पंजाब को शराब मुक्त बनाएंगे, अफीम मुफ्त बनाएंगे और वहाँ पे तंबाकू की खेती नहीं होने देंगे, पंजाब में अपनी कुर्सी पक्की करने की सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली जो भारत का दिल है, उस दिल को शराब में डुबो कर सराहने की कोशिश की जा रही है। एक पर एक फ्री शराब देकर सभी युवाओं का भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है, और युवा हमारे भारत के इतने समझदार हैं कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि उनका भविष्य किस ओर जा रहा है। कैमरामैन हफीज के साथ मैं नमिता, NCR समाचार, दिल्ली।